आशिफ, खबर ये आ रही है कि आरोपियों को लेकर एनआईए स्पॉट पर गई है, और क्या ताजा अपडेट? देखिए मैं बताऊं निधा आपको कि साफ तौर पे जिस समय इन लोगों को पकड़ा गया, जब डिटेन किया गया, उसके बाद ये तमाम जो अमरावती पुलिस है उनकी जांच कर रही थी और उन लोगों को बारी बारी, क्योंकि सबसे पहले समझिए कि जब दो अपराधी पकड़े गए उनके साथ एक बॉक्सर बाइक पकड़ी गई, उसके बाद उन लोगों ने डिटेन करना शुरू किया, जब और अपराधियों पर दबिश डाला तो एक अपराधी और पकड़ा गया, फिर उसके बाद दो और अपराधी पकड़े गए, मतलब धीरे धीरे करके इन लोगों की, तो उसके बाद एक बाइक और पकड़ी गई थी जिसका होंडा साइन करके बाइक थी। ये तमाम चीजें ये अमरावती पुलिस ने किया था, लेकिन जिस दिन एनआईए ने एंट्री की है इस पूरे मामले में, उस दिन उसने नागपुर से उस सबसे बड़े अभियुक्त को पकड़ा और उसके बाद फिर उनको लेके आया गया, डिटेन किया गया, उसके बाद उनको कोर्ट ने कहा कि ये 7 तारीख तक कस्टडी में रहेंगे, उनके साथ रिमांड मांगा गया था एनआईए के द्वारा और 7 तारीख तक वो एनआईए के रिमांड में है। तो कल इनको डिटेन करने के बाद, उनको लेने के बाद, वो उस जगह पे पहुंचे जहां पे देर, मतलब पहले सुबह आप कह सकती है कि 3 से 4 बजे का वक्त था जब इनको लेके और फिर से रिक्रिएशन किया गया, उस पूरे मामले को रिक्रिएट किया एनआईए ने। वो जानना जी चाह कि किस तरीके से ये लोग उन लोग दोनों, क्योंकि एक बाइक से फादर निकले, मतलब उमेश कोले, दूसरे बाइक से संकेत जो उनका बेटा था वो दूसरे बाइक पे था, मतलब आगे पीछे का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आप कह सकती हैं कि 100 मीटर के डिस्टेंस की चीजें रही होंगी, लेकिन क्योंकि संकेत के सामने ही सारी चीजें हुई है, संकेत ने एक दूसरी भी जब हमसे बात की तो सारी चीजें उसने रखी थी, वही सारी चीजें को रिक्रिएट किया गया और ये कोशिश की गई कि आखिर वो जानने की, क्योंकि एनआईए के आने के बाद बार बार सभी लोग ये कह रहे हैं कि एनआईए के आने के बाद दबिश पड़ी, एनआईए के आने के बाद तमाम साक्ष्य सामने आए, क्योंकि पुलिस जो जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रही थी, या ये कह लें कि पुलिस जिस सोर्सेज से काम कर रही थी, उस सोर्सेज से कहीं ना कहीं से ये समझ में आ रहा था, पुलिस ने पहले ये मामले को फिरौती का मामला माना, पहले वो मामले को चुनौती का मामला कहा उसमें पैसे के लूटपाट की वजह से हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके बाद जब पुलिस ने जब फाइल रजिस्टर्ड किया, उस फाइल में भी साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि उनके गले में सोने की चैन थी, जेब में 35,000 रुपए थे, वो लुटेरों ने नहीं लूटा, तो इसका मतलब था, साफ था कि इसका मतलब है कि लूट का मामला उसे नहीं कह सकते हैं। एक्सक्लूसिव हमने विजुअल भी दिखाया, तमाम चीजें बताई कि जब ये लूट का मामला नहीं तो आखिर सिर्फ किसका मामला। जब जांच आगे बढ़ी और खासतौर पर जिस दिन एनआईए की एंट्री हुई है, उस एनआईए की एंट्री के 48 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें साफ हुई हैं कि मामला पूरा का पूरा जो था वो हेट सर्कुलेशन का था, और साफ तौर पे व्हाट्सएप के मैसेज का कहीं ना कहीं दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालने पर ये तमाम चीजें हुई। और जिस तरीके से आपको मैं बताऊं कि ये पूरे मामले में, आप एक बात समझिए ना कि नाराजगी हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, आप बात कह सकते हैं, आप डांट सकते हैं, आपको किसने अधिकार दिया, किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी गले को रेत दे, आप किसने अधिकार दिया कि आप किसी का मर्डर कर दे, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मर्डर करना चाहते थे, बल्कि उसके पीछे वो नापाक मनसूबे वो थे कि वो लोग दहशत पैदा करना चाहते थे। उदयपुर पार्ट 1 है अमरावती, अमरावती पार्ट 2 नहीं है, अमरावती पार्ट 1 कहा जाएगा उदयपुर का, क्योंकि सबसे पहले घटना यहाँ हुई। जिस तरीके से अगर पुलिस ने तमाम चीजों को बहुत साक्ष्य के साथ अगर आगे बढ़ी होती तो पुलिस अगर पहले दिन से इस चीज को मानती, क्योंकि ये बार बार ये लोग कह रहे हैं, तमाम जो जांच करता है या आप कह लीजिए कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग साथ में इन्वॉल्व रहे, वो सब लोग ये बात कह रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं से कह सकती है कि एनआईए जब जांच लेकर आगे बढ़ रही है निदा, तो वो तमाम चीजें बहुत सामने आते जा रही है, बारी बारी करके चीजें, इसलिए जल्द से जल्द उम्मीद यही है कि पूरा सच जो है और जो भी चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।